अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज बस मेरी आंखों में थोड़ी सी इचिंग हो रही थी और थोड़ी सी जलन हो रही थी, बट मैंने अभी जो है वो रोज़ वाटर डाला है आंखों में, आइस वॉश करी है अपनी, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और मैंने अपने ग्लासेस भी लगा लिए हैं। असल में मेरी आई सेट वीक है ना, तो जब मैं ग्लासेस लगाना कम कर देती हूँ तो मेरे अक्सर ऐसा हो जाता है कि मेरी आंखों में इचिंग होना शुरू हो जाती है। तो अभी जो है मैंने ग्लासेस लगाना छोड़ दिए थे, काफ़ी टाइम से नहीं लगा रही थी, तो इस वजह से जो है मेरी आंखों में दोबारा से इचिंग होना शुरू हो गई है। सो अभी मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया है ग्लासेस लगाना और आई वॉश करना भी, तो मतलब बार बार आई वॉश करती रहूँगी रोज़ वाटर से और ग्लासेस पहन के रखूँगी, तो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ एक और मज़ेदार रेसिपी। तो आज मैं बनाने लगी थी बीफ कढ़ाई, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो बहुत ही ईजी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे, आप लोगों को अच्छी लगेगी। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलें जी, तो चलते हैं फिर किचन में। और उससे पहले बांध लेते हैं अपने बाल, क्योंकि खाना वगैरह बनाना है तो बाल खुले होंगे तो ठीक नहीं, खाने में भी गिर सकते हैं बाल, तो इसलिए बाल बांध लेते हैं। लेट्स गो। चलें जी, तो शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। तो सबसे पहले आपने कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ाना है और उसके बाद उसमें ऐड करना है 1 से 1.5 कप ऑयल। तो ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है कढ़ाई में। सो अभी जो है ऑयल हीट हो गया है और अब इसमें आपने डालना है भर भर के 2 चम्मच पिसा हुआ अदरक लहसुन, और उसके बाद जो है आपने इसमें बीफ ऐड कर देना है। देन उसको अच्छे से आपने भूनना है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आपने इसको भूनना होगा कि जो बीफ की हीक है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, जो हल्की फुल्की भी उसकी स्मेल होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये बस स्टार्टिंग का ही प्रोसेस होता है कि जिसमें आप बीफ की जो है स्मेल ख़त्म कर सकते हैं। तो उसको जितना अच्छे से भून सकते हैं उतना अच्छे से भून लें। चलिए जी, तो मसाले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, क्योंकि बताने बताने में बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब आपको देख रहा होगा कि गोश्त बिल्कुल जो है भुन चुका है, वाइट हो गया है, और अब मैं इसमें सारे मसाले जो है वो ऐड कर दूंगी। और उसके बाद इसको अच्छे से हमने भूनना है मसालों के साथ गोश्त को, ताकि गोश्त में जो है वो एक एक मसाला जो है अच्छे तरीके से लग जाए और अच्छा सा टेस्ट आ जाए उसमें। और अब उसके बाद 6 बड़े बड़े साइज़ के टमाटर जो हैं आपने इस तरीके से काट कर इसमें ऐड कर देने हैं, और उसके बाद फिर से थोड़ी देर गोश्त को भूनेंगे। हाँ जी, तो जैसे कि अब आप लोगों को नज़र आ रहा है कि टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, तो अब हमने इसमें 1 से 2 कप पानी और शामिल कर देना है, और उसके बाद इसको ढक कर बिल्कुल हल्की आँच पर पकाना है तब तक जब तक कि गोश्त बिल्कुल गल ना जाए। अच्छा जी, तो गोश्त बिल्कुल गल चुका है अच्छे से, तो अब आप इसमें चेक कर लीजिए कि अगर नमक और मिर्ची वगैरह अगर कम है तो उसमें और शामिल कर सकते हैं। तो अब बस मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्ची कट लगा के रखी हुई थी वो डालूंगी, और उसके बाद जो है ताज़ा धनिया इसमें ऐड करूंगी और उसको थोड़ा सा भूनूंगी अच्छे से। ये लीजिए जी, तो हाज़िर है आप लोगों की खिदमत में बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई। तो आप लोग ये वाली रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाजमी बनाइएगा ये वाली रेसिपी, और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप लोग जब भी ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। और इसके अलावा ये कि मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कीजिएगा, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट मेरी वीडियोस आते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलें जी, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ही एंड। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।